हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं डिवाइन टैरो 44। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्टल पिरामिड की और स्टोन पिरामिड की। स्टोन नेचर की तरफ से मिला हुआ हमें एक प्रेशियस गिफ्ट है जो धीरे धीरे हमारी लाइफ को हील करता है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमें इन पिरामिड्स के क्या क्या बेनिफिट हैं और ये कितने टाइप के हो सकते हैं, और इन पिरामिड को हम कैसे चार्ज करेंगे, और घर के किस हिस्से में हम इनको रखें कि हमें इसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। बेनिफिट ऑफ पिरामिड्स। पिरामिड और स्टोन रेकी हीलिंग में यूज़ किए जाते हैं। ये पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, मेंटल स्ट्रेस दूर करते हैं, हमें आने वाली अड़चनों को दूर करते हैं, हार्ट चक्रा, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं, रिलीफ करते हैं, बहुत सारी बीमारियों को दूर करते हैं, रिश्तों में मिठास लाते हैं, वास्तु दोष खत्म करते हैं, घर में पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं, कामनेस लाते हैं, और मनी मैग्नेट भी होते हैं ये। इसके अलावा और भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। आपका स्ट्रेस ख़त्म करते हैं, आपको खूबसूरत बनाते हैं, घर से नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकाल के पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं, बच्चों का पढ़ाई में फोकस बढ़ाते हैं, लाइफ में स्टेबिलिटी लाते हैं, घर के ओरा को क्लीन करते हैं, सेवन चक्रा हील करते हैं जिससे आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आता है, घर में यदि कोई बीमार है तो उसकी बीमारी को भी जल्दी से दूर करते हैं, हील करते हैं। यदि प्यार में आपका दिल टूटा है तो आपको रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल यूज़ करना चाहिए, यह आपके हार्ट चक्रा को हील करता है, हार्ट संबंधी तमाम प्रॉब्लम्स में भी ये फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तो ये थे कुछ बेनिफिट। अब हम देख लेते हैं कि ये कितने टाइप के हो सकते हैं। पहला है रोज़ क्वार्ट्ज़, ये पिंक कलर का होता है, अनकंडीशनल लव के लिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए और हार्ट चक्रा को हील करने के लिए। इसके अलावा ब्यूटी के लिए जाना जाता है ये। दूसरा है सेवन चक्रा हीलिंग पिरामिड। हमारी बॉडी में सेवन चक्रा होते हैं, अगर वो ब्लॉक हो जाएँ तो बहुत सारे मेंटल और फिज़िकल डिसीज़ हो जाते हैं, इससे ये हमें बचाते हैं। तीसरा है एमेथिस्ट जेमस्टोन पिरामिड। ये पीस ऑफ माइंड के लिए होता है, पेन रिलीफ करता है, प्रोस्पेरिटी और स्ट्रेस रिलीफ के लिए होता है। ये पर्पल कलर का होता है। आगे है वास्तु पिरामिड, जो आपके घर में किसी भी तरह का यदि कोई वास्तु दोष है तो ये उसको ख़त्म करता है और नेगेटिव एनर्जी हटा के पॉजिटिव एनर्जी लाता है। आगे है सेलेनाइट क्रिस्टल। इसको अगर आप पिरामिड की जगह एंजल को घर में रखेंगे तो आपको आपका ओरा बहुत अच्छे से क्लीन होगा। ये मनी हेल्थ लव बूस्टर माना जाता है। इसके अलावा आप इसका पिरामिड रख सकते हैं, इसकी ज्वेलरी भी पहन सकते हैं। आगे है सिट्रिन क्रिस्टल पिरामिड, जो मनी को अट्रैक्ट करने के लिए जाना जाता है। इसे आप अपने मंदिर में, घर के मंदिर में और ऑफिस के लॉकर में रख सकते हैं। ये गुड लक भी माना जाता है और पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। इसे जब आप अपने लॉकर में या घर के मंदिर में रखें तो इसके नीचे आप कुछ ना कुछ पैसा ज़रूर रखें। आगे है ब्लैक टर्मलाइन। ये स्पेशल इस चीज़ के लिए माना जाता है कि अगर आपके घर में कोई नज़र दोष है, बहुत लंबे टाइम से कोई बीमार चल रहा है और पॉजिटिव एनर्जी नहीं है, बरकत नहीं है, तो इसको आप अपने घर में ज़रूर रखिए। आगे है सनस्टोन पिरामिड। ये मनी अट्रैक्शन के लिए जाना जाता है और ख़ास तौर से पर्सनैलिटी ग्रोथ के लिए जाना जाता है। अगर आप अपने अंदर एनर्जी महसूस नहीं करते हैं, किसी चीज़ में रुकावट है, ग्रोथ चाहते हैं अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में, तो इसको ज़रूर रखिए। अब हम देखते हैं कि हम इन पिरामिड को चार्ज कैसे कर सकते हैं। या तो रनिंग वाटर में या सी सॉल्ट में आप इसको रात में रखिए। इसके अलावा सनलाइट में या फिर फुल मून लाइट में आप इन क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं। इन्हें चार्ज टाइम टू टाइम चार्ज करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस मिल सके। अब सवाल है कि हम इनको कहाँ रखें। तो इन पिरामिड्स को स्पेशल सेंटर में रखा जाता है। इसके अलावा आप अपने घर के एंट्रेंस में रख सकते हैं, बेडरूम के सेंटर टेबल पे रख सकते हैं, और रोज़ क्वार्ट्ज जो क्रिस्टल है
उसका पिरामिड आप इस अपने बेडरूम में रख सकते हैं, ये रिलेशनशिप में और सेल्फ कॉन्फिडेंस और अनकंडीशनल लव के लिए जाना जाता है। इसके अलावा अगर आपको ऑफिस में रखना है तो तब भी आप ऐसी जगह पर रखिए कि आते जाते लोगों का उस पर नज़र पड़े। और सन स्टोन अगर आपने रखना है और सिट्रिक वाला स्टोन अगर आपने इसका पिरामिड रखना है तो इसको आप अपने मंदिर में या लॉकर में रखिए जहाँ पे आप पैसे रखते हैं। तो इस तरह से आप इन पिरामिड को अपने घर में रख के फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बहुत कुछ हील करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करेंगे, इनकी एनर्जी धीरे धीरे आपके घर में आएंगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, और अगर मेरा चैनल पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।